नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 45वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की ओर से कप्तानी करने आए किरण पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। जी हाँ, क्विंटन डिकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने एक छोटी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की और सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पारी के 11वें ओवर में कार्तिक त्यागी के गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन चूक गए। जी हाँ, गेंद आउटसाइड ऑफ बाउंसर थी, उन्होंने कट करना चाहा, गेंद सीधे थर्ड मैन के ऊपर से जा रही थी। थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे थे जोफ्रा आर्चर। पहले नजर में ऐसा लगा कि जोफ्रा आर्चर ने गेंद को मिस कर दिया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक हाथ से शानदार अंदाज में जंप लगाते हुए कैच को लपक लिया। कैच को जिस अंदाज में उन्होंने लपका वो काफी हैरान कर देने वाला था। पहली नजर में लगा कि गेंद तक जोफ्रा आर्चर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक हाथ से फुल लेंथ डाइव लगाकर उन्होंने एक शानदार कैच लपक लिया। ईशान किशन 36 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस को पहला झटका पहले ओवर में 7 रन के स्कोर पर लगा था, वहीं दूसरा झटका पारी के 11वें ओवर में लगा जब टीम का स्कोर 90 रन था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।